नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में आज हम यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम से यूनिट संख्या थर्ड के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के बैंक्स, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बैंक और ग्राहक के मध्य संबंध के बारे में हमने पिछले यूनिट्स के बारे में हमने चर्चा की। अब हम यूनिट संख्या फोर्थ में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है वो एक ही प्रश्न है कि वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं और वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको नाम से ही है प्रचलित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय का मतलब यहाँ पर फाइनेंसिंग सिस्टम से है, जिसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसियाँ या विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस को हम शामिल करते हैं, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल सिस्टम सही तरीके से क्रियान्वित हो सके। अब फाइनेंशियल सिस्टम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वित्त क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आर्थिक क्रियाओं के व्यापारीकरण और औद्योगिकरण आर्थिक विकास के सहभागी भी होते हैं। इसके लिए काफ़ी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता, उसकी सुदृढ़ता वित्त पे निर्भर करती है, क्योंकि वित्तीय प्रणाली में मार्केट के अंतर्गत या फिर वित्तीय बाज़ार या संस्थाएँ वित्तीय साधन सेवाओं में बिना वित्तीयन के कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बचतकर्ताओं तथा वित्त की आवश्यकता वाले लोगों के मध्य ही एक तंत्र के रूप में ये कार्य करते हैं, जिसमें वित्तीय प्रणाली भी अपन कहते हैं, क्योंकि एक तरह का सर्किल है। वित्तीय प्रणाली में जैसे हम चर्चा करें, पूंजी का निर्माण जब हम करेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा तो प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो लोगों को रोजगार आय के वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, लोग बचत की प्रवृत्ति पर ध्यान देंगे और आय का क्या होगा, सृजन होगा। इस प्रकार से ये सर्किल है, ये चलता है। तो मैंने आपको बताया इस सर्किल के अंतर्गत, वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत कि किस प्रकार से वित्तीय प्रणाली क्रियान्वित हो पाती है। वित्तीय प्रणाली में मैंने आपको प्रथम बताया पूंजी निर्माण करना है। पूंजी निर्माण जब होगा तब उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब उत्पादन बढ़ोतरी होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। जब आर्थिक विकास का क्रियान्वयन होगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, रोजगार आय में क्या होगी, वृद्धि होगी और आय का क्या होगा, सृजन होगा। जब आय का सृजन होगा तब क्या होगा, नवीन विनियोग का क्रिएशन होगा। इसे ही अपन क्या कहते हैं, वित्तीय प्रणाली कहते हैं। तो वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत, वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बचत और विनियोग को गतिशीलता प्रदान करने की एक आर्थिक विकास को लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं, जिसमें देश के विनियोगों के माध्यम से पूंजी निर्माण में गतिशीलता होती है, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होगी, विनियोग में वृद्धि होगी, नवीन विनियोग का सृजन होगा। तो ये क्या होगा, वित्तीय प्रणाली कहलाएगा। तो वित्तीय प्रणाली की संरचना की हम चर्चा करें तो औद्योगिक वित्त, कृषि वित्त और विकास वित्त और सरकारी वित्त की आवश्यकता इसमें होती है। वित्तीय प्रणाली के फंक्शंस जो हैं, जो वित्तीय प्रणाली के जो कार्यों की हम बात करें तो वित्तीय प्रणाली के कार्य में एक तो तरलता रहेगी, तरलता प्रदान करने में एक अहम भूमिका रहती है। दूसरा, बचतों की गतिशीलता होगी, बचतों की गतिशीलता,
बच्चों की गतिशीलता में भी एक अहम भूमिका का निर्वहन होता है, आकार में परिवर्तन और जोखिम में परिवर्तन के रूप में है। अब इसी क्रम में वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अवयव हैं कंपाउंड्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत, तो वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न सम्मिलित पहलुओं को संतुलित होकर क्रियाशील करना होता है। इसमें प्रथम है वित्तीय बाज़ार। वित्तीय बाज़ार में भी दो प्रकार के हैं, मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार। मुद्रा बाज़ार क्या होता है? मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार होता है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो इसमें भी मुद्रा बाज़ार में भी दो प्रकार के बाज़ार इसमें बांटे गए हैं, जिसमें पहला है संगठित बाज़ार, संगठित मुद्रा बाज़ार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाज़ार। संगठित मुद्रा बाज़ार पे नियमन नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्रियान्वित हो पाता है, और जबकि असंगठित बाज़ार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियमन नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा है पूंजी बाज़ार। पूंजी बाज़ार को भी पुनः दो भागों में इसमें बांटा गया है, संगठित पूंजी बाज़ार और असंगठित पूंजी बाज़ार। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूंजी बाज़ार में दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय विक्रय होता है, वह पूंजी बाज़ार कहलाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय बाज़ार की संरचना में मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार की एक अहम भूमिका होती है। अब दूसरी बात करें वित्तीय संस्थाओं की। वित्तीय संस्थाएं बाज़ार की वे संस्थाएं जो क्रियाशील रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होती हैं, ये वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। वित्तीय बाज़ार में सक्रिय संस्थाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्रथम जमाएं स्वीकार करना और दूसरा है गैर जमा संबंधी कार्य करना। इसी आधार पर वित्तीय संस्थाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाएं बैंकिंग और गैर बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित है। मुद्रा के आधिक्य में अर्थव्यवस्था को नुकसानदायक होती है, क्योंकि भारत में आरबीआई की वित्तीय संचालन हेतु मुद्रा बाज़ार एक अहम संस्थान के रूप में क्रियान्वित या कार्यान्वित हो पाती है, जिसमें बचतों की गतिशीलता और आकार परिवर्तन और जोखिम परिवर्तन के रूप में अहम रह पाती हैं। तो वित्तीय संस्थाओं को भी विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं। बैंकिंग संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियमन नियंत्रण होता है, और गैर बैंकिंग संस्थाएं वो होती हैं जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि जिसमें देसी बैंकर सेठ साहूकार महाजन एजेंट रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं। तो ये गैर बैंकिंग आ गई। अब बात करें हम वित्तीय साधन की। वित्तीय साधनों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें अल्पकालीन वित्तीय साधन जो कि अल्प समय अवधि के लिए क्रियान्वित हो पाती हैं, अल्पकालीन वित्तीय साधनों की श्रेणी में आते हैं। तो अल्पकालीन वित्तीय साधनों में मुख्यतया जैसा कि दो वर्ष के लिए मध्यकालीन वित्तीय साधन, ये 5 वर्ष से कम, और दीर्घकालीन 5 वर्ष से 20 वर्ष तक दीर्घकालीन वित्तीय साधनों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों में वित्तीय बाज़ार, वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय साधन एक अहम एवं अग्रणी भूमिका के रूप में क्रियान्वित होते हैं, जिसमें वित्तीय साधनों में अल्पकालीन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स और मीडियम टर्म फाइनेंशियल सोर्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स को शामिल किया गया है। अगला है वित्तीय सेवाओं में। तो वित्तीय सेवाओं में अप्रत्यक्ष वित्तीयन डायरेक्ट फाइनेंसिंग जो होती हैं सेवाएं,
उनको शामिल किया गया है, गारंटी वाली संस्थाएं हैं और अभिगोपन, अंडरराइटिंग और बिलों की कटौतियों को वित्तीय सेवाओं में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न अंगों के बारे में हमने शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमने चर्चा की कि किस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं, किस प्रकार की वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएं हैं जो एक अग्रणीय और सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाओं में, बैंकिंग संस्थाओं में वे संस्थाएं आती हैं जिसमें व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और गैर बैंकिंग संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विकास निगम और सरकार के विभिन्न कोषों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से यह है बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय बाजार में बैंकिंग संस्थाओं के रूप में उपयोगी भूमिका का निर्वहन हो पाती हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ही एक ऐसा सेक्टर है जो वित्तीय मध्यस्थताओं के माध्यम से वित्तीय बाजार के विकास के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती हैं और एक व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण स्थान भी पाया गया। गैर बैंकिंग संस्थाओं में वे बैंकिंग संस्थाएं जो अलग अलग उद्देश्यों के रूप में संग्रहित की गई हैं, बचतों के वित्तीय बाजार में निवेश करती हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सरकारी आदेशों में संग्रहित किए गए विभिन्न कोष, पेंशन कोष, सामान्य न्यास, न्याय कोष, अन्य विकास कोषों को शामिल किया गया है। अब जैसे हम बात करें कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनमें दोनों में क्या भेद पाया जाता है, तो गैर बैंकिंग और बैंकिंग संस्थाओं में जमाओं के आधार पर हम बात करें तो बैंकिंग संस्थाएं हैं वो जमाओं को मांगने पर किसी भी प्रकार किया जा सकता है, और गैर बैंकिंग से आरण अवधि इसमें निर्धारित हो पाती हैं। साख निर्माण, बैंकिंग संस्थाएं अपने साख क्रियाओं के माध्यम से व्युत्पन्न जमाओं के आधार पर निर्माण कार्यों में एक सहायक तरीके से क्रियान्वित हो पाती हैं, और जबकि गैर बैंकिंग संस्थाएं साख निर्माण का कार्य नहीं करती हैं। ऋण की बात करें तो बैंकिंग संस्थाएं ऋण प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों और अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं विशेष उद्देश्यों या अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं। तो ये ऋण है वैधानिक कोष। बैंकिंग संस्थाओं में भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत CRR नकद कोषानुपात, वैधानिक कोषानुपात रखना अनिवार्य होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए ये रखने की आवश्यकता नहीं हो पाती है। और भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थाओं से समन्वय का अभाव रहता है, एकाधिकारी बाजार संरचना का है, एक औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले विकास बैंकों के लिए प्रभुत्व रहता है, एक अक्रियाशील पूंजी बाजारों का निर्वहन होता है। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों के बारे में हमने संक्षेप में सारगर्भित रूप से अपने अध्ययन किया कि वित्तीय प्रणाली क्या है, वित्तीय प्रणाली के क्या क्या कार्य हैं, क्या चुनौतियाँ हैं और उसके विभिन्न अंग किस प्रकार से। तो विभिन्न अंगों में हमने संक्षेप में चर्चा की कि वित्तीय बाजारों में हमने दो भागों बांटा, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, और वित्तीय संस्थाओं में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं और बैंकिंग संस्थाएं, वित्तीय साधनों में अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साधनों को शामिल किया गया। दूसरा, वित्तीय सेवाओं में डायरेक्ट जो फाइनेंसिंग जो करती हैं उन संस्थाओं को शामिल किया गया है जो गारंटी शुदा हैं वो, और अभिगोपन बिलों की कटौतियों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है और मर्चेंट बैंकिंग की जो संस्थाएँ हैं जो बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली हैं वे संस्थाएँ कौन कौन सी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आता है कि मर्चेंट बैंकिंग से क्या समझते हैं और मर्चेंट बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं या मर्चेंट बैंकिंग के कार्य कौन कौन से हैं। ये आप अगले वीडियो में हम इससे संबंधित ही यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में और मर्चेंट बैंकिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।